तो इस प्रकार वस्तु स्वभाव से ही विभिन्न परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर और अमनोहर घटपदादि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से ही जानते हुए आत्मा में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। हम उन्हें जानेंगे तो हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? मलमूत्र को जानेंगे तो हमारा आत्मा गंदा हो जाएगा, अग्नि को जानेंगे तो हमारा आत्मा जल जाएगा, बर्फ को जानेंगे तो हमारा आत्मा ठंडा हो जाएगा ऐसी सर्दियों में। तो ऐसी कोई समस्या जानने के साथ नहीं है। और जैसे मैंने पहले में कहा था कि हमारे छिपाने की प्रवृत्ति बहुत है, तो कोई ने हमारी बात जान ली तो हमें इस बात से बहुत आकुलता होती है। और आकुलता का कारण क्या है कि अब वो कुछ ना कुछ षडयंत्र करेगा, हमें ये डर लगता है कि हमारी इस बात को जान लेगा। जैसे आपके बिजनेस का सीक्रेट, यदि उसने हमारा जान लिया तो वो हमारी नकल करके और हमारे आधा बिजनेस छीन के ले जाएगा, ऐसे ही रहती ना। तो हम चाहते कि नहीं, किसी को भी किसी भी कारण से हम नहीं बताएं। तो वो ये कहते हैं कि भाई तेरे वो जान लेने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, तू क्यों गुप्त रखना चाहता है? एक तो ये बताना चाहते हो, दूसरा ये कहना चाहते हैं कि तू गुप्त रख भी नहीं सकता है। वे सामने वाले के क्षेत्र ज्ञान की कमजोरी से तू एक फायदा उठाना चाहता है, लेकिन अब केवल ज्ञान में कभी सामने तो कुछ छिपेगा नहीं, कि सब केवल ज्ञानी से हमें डर भी नहीं है। ये डर तो जो बगल में दुकान खोल के बैठेंगे उनसे है। तो वो कहते हैं कि न, जैसे केवल ज्ञानी कुछ नहीं करते हैं ऐसा बगल वाला भी कुछ नहीं कह सकता। तो कोई चीज को गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि जीव के लिए सात भय से रहे थे, उसमें ये गुप्तता का भय भी निकाला है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञानी की बात है। अब अपन कहते हैं जान ले दो ना दुनिया को, हमारा भाग्य तो छीन के नहीं ले जाएगा, कहते ना वो जो करेगा करने दो उसे, हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा, ऐसा ऐसा लोग कहते कि नहीं कहते हैं। अब जब भाग्य में का भरोसा नहीं हो गए तो ये जो हमारे ज्ञान स्वभाव का विरुद्ध जो हमारे हृदय में मान्यताएं हैं वो मान्यताएं अलग हटे बिना सम्मय दर्शन नहीं होगा। ये सात भय निकलने चाहिए ना। तो सात भय जो हैं, यही लोक भय, परलोक भय, ये सब कि न मालूम अब इसमें क्या हो जाएगा। आज तो ठीक है लेकिन कल न मालूम क्या हो जाएगा, परसों न मालूम क्या हो जाएगा, फिर दिन न मालूम क्या हो जाएगा, अगले भव में न मालूम हूँ कहाँ जाएंगे, सुरक जाएंगे कि नरक जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे जाएंगे। अरे भाई जहाँ जाएंगे वो नक्की है, और तेरे जान करके तुम कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है क्या? नहीं नहीं, वो साहब आयु का बंद कब होता है? वो त्रिभाग में होता है ना, क्यों तुझे क्या करना, जब आयु हो गया हो जाएगा। नहीं नहीं, बस जरा समझ लें, हम सावधानी रखें। अरे कहते भैया अनंत काल पहले नक्की है, वो तू वहीं जाएगा और तेरे आयु का बंद जैसे जिस समय होना होगा वो हो जाएगा, तेरे को उसमें कुछ नहीं करना है। वो क्या समझता है कि मैं जिंदगी भर बेईमानी करता रहूंगा, उतने टाइम पर जरा ईमानदार बन जाऊंगा और बढ़िया कर्म बांध लूंगा और कर्मों को धोखा दे दूंगा और मैं चले जाऊंगा। और वही जो जिंदगी भर जैसा रहता है आयु के समय में भी उसके परिणाम वैसे ही होते हैं आयु बंद के समय में, समझिए ना। ऐसा थोड़ी होता है एकदम आगे पीछे अच्छे हो जाएं और उस वक्त खराब हो जाएं। और ऐसा ऐसा हमने भय पैदा कर रखा जबरदस्ती का, तुम तो अपना जीवन सुधारो तो मरण भी सुधर जाएगा। हम दम दस बस खत्म थे मैं सुधार लें। अरे भैया हमारे पास बहुत कम समय रह गया, ऐसा रह गया, क्या क्या करोगे समय को कि हम अपना सुधार लेते ना। चंद्रशुदास जी का स्वर्गवास हुआ तो साहब मैंने सब कुछ किया, दूसरों का बहुत किया लेकिन मैंने अपना कुछ नहीं किया, वो ऐसे पछताते थे।
अंत में ऐसा कहते थे, देखो उनकी जो स्मारकाएँ छपी हैं उन सब में ऐसा लिखा है कि मैं तो दूसरों की सेवा में ही लगा रहा। एक क्या नहीं, 2500 का ये कहते मिलेंगे, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि वो जैसा होना था वो पहले से ही नक्की था, तुम क्या कर लेता। और जिंदगी भर ऐसा कहता रहता है और करता नहीं है, और फिर कहता है मैंने सब जिंदगी कर दी दूसरों की सेवा में लगा दिया, वही तो ब्रह्मास्वार्थी लोग हैं, इनकी कितनी सेवा करो, ये तो तुम कुछ बदले में तो कुछ करेंगे ही नहीं, ये उपकार तक नहीं मानेंगे, क्यों ये तो आँख बदलते देर नहीं लगती है। तुझे क्या करना, ये आँख नहीं बदले इस बात के लिए हैं, और बदल लें तो बदल लें और नहीं बदले तो नहीं बदले, इसका उनसे है संबंध नहीं, हमसे उससे क्या लेना देना है। क्यों अजीत जी, ये जो मैं आपसे कहता हूँ, आप सब लोग हो और जितनी भी ये समाधि मरण कराने वाले हैं और समाधि मरण कराने जाते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं आधे पागल बन की, हम तो सुनकर हमको अटपटा लगता है क्या बोल रहे हैं। ये कुछ नहीं समझते जी, हमें समझाएंगे नहीं, नहीं मरते वक्त समझा देंगे। और साहब बिल्कुल नवोकार मंत्र जपते जपते उनके प्राण छूटे, ऐसा हुआ ऐसा। अच्छा, तो वो अंत तक भी कुछ उसने आत्मा के हित की बात नहीं सोची, तो नवोकार मंत्र जपते रहा, उसकी जिम्मे छोड़ दिया सब है, वो समय तो बचाते कम से कम। वो क्या कह रहे, तो हम आप मरो तो आपको हम नवोकार मंत्र सुनाए कि नहीं सुनाई हो, वो सुना जिंदगी भर, तो मैं ऐसा कहता हूं तो लोग कहते कैसा आदमी है जी, तो फिर क्या सुनाए आपको बताओ, हम वो सुनाएंगे। हाथ जोड़ते हैं महाराज, हमें कुछ मत सुनाना, हमने जिंदगी भर बहुत सुना है समझा है, हमारा हम पास है, हम उससे ही काम चलाएंगे, हमें आपकी कुछ भी सहयोग की रंजमा जरूरत नहीं है। है क्या तुम्हारे पास, हम दे तो कुछ तो समझते नहीं हो, तुम जीरो तो हो है? सहज रहने देना सहज, हम मरते समय तक सहज रह पाए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्यों, हमको ऐसा नहीं लगे जैसे कुछ बहुत कुछ आज होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं, ऐसे सहज हमारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, ख्याल में आई ना, बस वो बहुत बढ़िया है, खत्म, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, है? देखो इस प्रकार वस्तु के स्वभाव के विभिन्न परिणति को प्राप्त हुए मनोहर और अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से ही जानते हुए आत्मा में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार दीपक की भांति आत्मा भी पर के प्रति उदासीन ही है। देखो आत्मा तो ये नहीं कहते कि हो जाओ तुम उदासीन, आत्मा तो उदासीन ही है, यद्यपि ऐसी वस्तुस्थिति सदा ही रहती है, तथापि जो राग द्वेष होता है वह अज्ञान ही है, अज्ञान का ही फल है, वो उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, अपने ही अज्ञान के फल से जो कुछ हुआ है सो हुआ है, ख्याल में है ना, वस्तु स्थिति ऐसी ही नहीं है। अब ये देवचंदी छाबड़ा को पढ़ेंगे तो फिर वही की बहुत बात बात में फिर दोहराएंगे, फिर स्वामी जी भी वही दोहराएंगे, पढ़ लेना आप शांति से अपने घर पर, फिर आप कहोगे कि आपने क्यों इसमें कोट किया, तुम्हारे पढ़ने के लिए किया, क्यों कि तुम्हें स्वामी जी पे भरोसा है, हम पे है ही नहीं, हमें चंद्र पे भी नहीं है, कुंद कुंद पे भी नहीं है, तुम स्वामी जी का पढ़ लो, तुम्हें जयचंद छाबड़ा पे भरोसा है, क्योंकि हमारे गांव के तो बेई हैं जयपुर के, और छाबड़ा भी बेई है, क्यों छाबड़ा जी तुम उनका पढ़ लो। अरे बात सब में एक ही है, एक से ही काम चलता है, लेकिन हर एक के अलग अलग पॉकेट है ना, तो सब पॉकेट वालों को समझ में आ जाए कि वस्तु स्थिति यही है, समझ गए, निकालो पेज नंबर 21।
नीचे से चार पांच पंक्ति देखो, गाथाओं और उनकी टीका में यहाँ दो बातों पर सोदाहरण और सतर्क प्रकाश डाला गया है। कौन सी हैं दो बातें? कि ना तो बाह्य गेह पदार्थ आत्मा से यह कहते हैं कि तुम हमें जानो, ये है निष्कर्ष, और ना आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास जाता है। वह तो समीपवर्ती और दूरवर्ती पदार्थों को अपने स्वभाव से ही, सहज भाव से ही जानता है। इस प्रकार यह आत्मा और परद्रव्यों के बीच होने वाला एक सहज गेयक संबंध है, इसमें परस्पर किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है। यदि गेयक संबंध में हमें पराधीनता नहीं दिखे तो समझ लेना कि हमारी समझ में सही आया, फिर हमको उस संबंध से कोई घबराहट नहीं। तुम कहो कि हाँ संबंध है, हो ना तो क्या बन है ना। यह इस बात को समझाने के लिए आत्मख्याति में दीपक का उदाहरण दिया है, और दीपक की बात को स्पष्ट करने के लिए देवदत्त और यज्ञदत्त का उदाहरण दिया है, पर वह वितरे की है, मैंने वितरे की अभी बताया था ना, उल्टा सीधा नहीं मिलता था, हम उल्टा उदाहरण देते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि देखो भाई हम तो उन जैसा करते हैं, ऐसा वैसा समझाते। अब हमको कोई वो आदमी ऐसा दिखते ही नहीं जो बताएं उन जैसा कराते हैं, तो हम कहते भैया हम तुम जैसा नहीं करते हैं, कि तुम ऐसा आए तो ऐसा करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप समझेंगे ना, ये वितरे की उदाहरण, कि हमको कोई नहीं मिला, हम तो भैया टोडरमल जी जैसा सोचते हैं, अब हमें नहीं मिला कोई ऐसा, तो हम कहते हैं समझ लो कि हम तुम्हारे जैसा नहीं सोचते हैं। क्या अंत समय में समझा देना हमें, अरे हमारे पास जो माल ऐसा है कि जो एकदम जागृत हो, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक काम करती हो, और तुम कमर कसके तैयार होके बैठो समझने को, और हम कमर कसके बैठे तैयार होके समझाने को, तो मुश्किल से समझ में आता है। जब तुम बेहोश होगे, जब तुमको सुनाई नहीं देगा, और तब तुम हम तुम्हें समझा दें, इधर मैं कई दफे सुना हूँ। इंदौर में रहता था मैं, एक थे काला थे, एक नाम नहीं बताता हूँ, तो उनकी माँ बहुत बीमार हुई, तो रात के 3 बजे मेरे घर आए, बोले पंडित जी चलो जल्दी, कि क्या हो गया, कि माँ बिल्कुल मैं बहुत खराब हालत है, और तुम चलो उन्हें सुनाई नहीं देता, बेहोश हो गई, होश में नहीं आई, नहीं आई। मैं कि मेरे पास क्या कर, मैं क्या करूँगा जा करके, डॉक्टर मुखर्जी के पास जाओ, मुखर्जी डॉक्टर वहाँ बहुत प्रसिद्ध थे। ये मैं बता रहा हूँ 47 साल पुरानी बात, सच्ची घटना। तो बोले वो तो आए थे, होके अभी वापस गए हैं, और उन्होंने कह दिया कि अब हमारा काम नहीं है, अब तो नमो कारमंद सुनाओ, इसलिए आपके पास आए हैं। मैंने कहा ये तुमसे किसने कहा कि बचाने के लिए मुकुर जी को, मारने के लिए पंडित हकुमचंद। अब नमो कामन तुम्हें सुना दियो, तुम्हें भी बताता है, तुम्हारा गला अच्छा है, कि आप कुछ और नहीं तो नमो कामन भी सुना देना, लेकिन नमो कामन तो तुम भी सुना सकते हो। मैं कहा तुम मंदिर के सामने रहते थे, हमारा रोजाना प्रवचन करते थे वहाँ, लेकिन एक दिन ना तुम आए, ना तुम्हारी मम्मी आई, कोई नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए, अब आज रात को 3 बजे हमको ले जा रहे सुनाने के लिए, हम नहीं जाएंगे। तो सब गुस्सा हो गए, हम जानते हैं अच्छे हैं, कोई मुमुक्षु आता ना तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए तुम हमको उपदेश दे रहे हो। मैं कही बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हो तुम, कोई मुमुक्षु होता तो हम दौड़े दौड़े चले जाते, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। बोले क्यों? तो मैं कहा इसलिए कि वो मुमुक्षु हमारा रोजीना सुनता है, तो वो हमारे बोलने की स्टाइल भी समझने लग गया है, वो हमारे हाथ के इशारे भी समझता है, वो सब बात समझता है। क्या यदि वो बेहोश भी होगा, समझे ना, कुछ सुनाई नहीं देता होगा, और यदि कोई किसी तरह उसे मालूम पड़ेगा कि हम पहुंच गए हैं,
तो ही उसकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं, हैं? हम ऐसी उंगली बताएंगे तो भी उसकी समझ में आ जाएगा कि ये कह रहे हैं कि एक आत्मा ही शरण है, छोड़ो भगे विकल्प छोड़ो यहाँ आगे, क्या है ना, हमें देख के ही उसे समझ में आ जाएगा और तुम्हें कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी आदत तो ऐसी है कि पूरे होश में आदमी हो गए तब हम समझाएं तो उसी समझ में आए, इसलिए उनके यहाँ जाएंगे और आपके यहाँ नहीं जाएंगे। राग देश की वजह से नहीं जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे ना उनसे, क्या ये वस्तु का स्वरूप है, ये हम जैसे ये बात समझा रहे हैं और आपके चित्त में बैठ गई, बोलो दिलीप भाई, तो हम तो तुम्हारे पास हों चाहे नहीं हों, तुम्हें हम याद आएंगे स्मृति में तो अभी सब समझ में आ जाएगा। हमारे गुरु जी थे पंडित मक्खनलाल जी, वो ये कहते थे विद्वान उसका नाम है, क्या दादा आपको याद हो तो ये कहते, उसका नाम है कि जिसके बिना बोले लोग समझ जाएं कि इस मामले में ये ऐसा कहेगा, कोई भी चर्चा आए उसके मामले में कि भाई ऐसा हो रहा है ये बात, तो वो इस मामले में क्या बोलेगा ये बात समझ जाएं लोग, ऐसी उसकी जीवन रेखा इतनी क्लियर होनी चाहिए सबकी समझ में, तो वो विद्वान है। वो ये कहते थे कि साहब पंडित जी को बुलाया है अभी न मालूम क्या कहेंगे न मालूम क्या, अरे तेरा काम नहीं है क्या कहेंगे, नहीं सब बच्चा बच्चा ये जानते होंगे ये कहेंगे और वो आए तो वो ही कहें तो उसका नाम विद्वान है, वो ऐसा बोलते थे। हमारी समझ में उस वक्त नहीं आती थी क्या कह रहे थे, अब हमारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आती है। हम जिंदगी भर का हमारा चिंतन, हम जिंदगी भर बोल रहे हैं, जिंदगी भर आपको समझा रहे हैं और फिर भी आप ये पूछो हैं कि साहब वो अभी गणेश जी के मंदिर में जाकर के और यदि चढ़ा जाए दीपक और उससे यदि हमारे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए तो क्या नुकसान है, जरा पंडित जी से पूछ लेते हैं कि क्या पूछना, पंडित जी इसका क्या जवाब देंगे तेरे को पता नहीं है, है? क्या तेरे को पता होना चाहिए ना, क्यों अजय प्रसाद जी आना पड़ेगा मेरे पास, है? ये रेखा होना उसकी दिमाग में, आपके हमारे दिमाग में, उस मामले आदमी के मामले में पूरा बिना उत्तर दिए ही उत्तर समझ में आ जावे, तब हम समझ लें हम सफल हैं और तुम सफल हो, तुम हमारे श्रोता हो और हम तुम्हारे वक्ता हैं, हमने तुम्हें कुछ इतने दिनों तक सुनाया है पढ़ाया है, ये 5 साल हमारे पास विद्यार्थी पढ़ के गए और उस गांव में कोई पूछे कि पंडित हुकुमचंद जी से फोन लागे पूछ लो क्या कहेंगे, तो ये वहीं से बता देना चाहिए ना इनको कि ये कहेंगे, क्या जरूरत हमसे पूछने की, 99% तो वो सही निकलेगा ही ना, निकलना ही चाहिए ना, नहीं तो तुम क्या कर रहे 5 साल यहाँ काय के लिए कर रहे, इतना जीवन का क्रीम टाइम है ना ये सीखने का कितना क्रीम टाइम है, इससे बढ़िया टाइम नहीं आएगा कोई दूसरा, तो उसमें तुमने क्या किया, अब पूछने की जरूरत है। बहुत स्पष्ट ये बात हमारे विचार जगत के सामने स्पष्ट होने चाहिए। आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति की चर्चा करनी है ना, नीचे आचार्य यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उक्त गाथाओं के भाव को इसी प्रकार स्पष्ट करते हैं, तथापि वे शंका उपस्थित कर एक बात का विशेष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रकार है। शंका, हे भगवान, इसके पहले बंदादिकार में कहा है कि एवं राणी शुद्धो न स्वयं प्रणमदि रागमादि दायज्यदि अन्नेहदु जो रत्तदि यही बाभे ही, एवं राणी यह ज्ञानी रागादि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। अब यहाँ ये कह रहे बार बार कि स्वयं परिणमित होता है,
और कोई परद्रव्य उसे परिणमित नहीं कराता। और पिछले बंधाधिकार में एक कहा है मूल गाथा में, इसलिए यहाँ पर गाथा भी दी है कि यह आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमित नहीं होता। एकदम परस्पर विरुद्ध कमेंट्स है ना, राजत यदि अन्य ही दूसरों के द्वारा रागी देशी किया जाता है। सूरतादि ये भाव जिस प्रकार ज्ञानी शुद्ध है वह रागादि भावों से स्वयं प्रणमन नहीं करता है, लेकिन वह अन्य रागादि भावों से दोषों से रागादि विकार भावमय किया जाता है। इसलिए ज्ञानी आत्मा रागादिकों का अकर्ता है और रागादि परद्रव्य से उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा गया है, उस गाथा में ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ स्वकीय बुद्धि दोष से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव, अपने बुद्धि के दोष से ही रागादि भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा है। परकीय शब्दादि पंचेंद्रियों के विषयों का कोई दोष नहीं है, और यहाँ पांच इंद्रिय के विषयों का कोई दोष नहीं है। पूरी गाथाएं कहीं ना कि रस तेरे को नहीं कहता है तू हमें चख, रूप तेरे को नहीं कहता कि तू हमें देख, ऐसा है ना। अब ये समाधान, वहाँ बंधाधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता है और सम्यक ज्ञानी को रागादि भावों के से प्रणमन नहीं कर, सम्यक ज्ञानी तो रागादि भावों से प्रणमन नहीं करता, इसलिए रागादि भाव परद्रव्य जनित हैं ऐसा कहा है वहाँ पर बंधाधिकार में। और यहाँ अज्ञानी जीव की मुख्यता है, वह अज्ञानी जीव अपने बुद्धि दोष से परद्रव्य को निमित्त मात्र आश्रय करके रागादि भाव रूप से प्रणमन करता है। इस कारण वे परकीय, इस कारण से परकीय शब्दादि पंचेंद्रीय विषयों का दोष नहीं है ऐसा कहा गया है, इसलिए इसमें कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। क्या रहा अध्यात्म शास्त्रों में श्रोताओं को जिस प्रकार का वो हो गया ना दोष, तो उस प्रकार से वहाँ वर्णन करते हैं। तुलनामल जी ने मोक्षमापिकाशक में दिया ना कि जहाँ व्यवहार की अधिकता हो तो वहाँ व्यवहार के निषेध रूप वर्णन करते हैं, और जहाँ पर ऐसा हो कि निश्चय की मुख्यता हो गई हो और व्यवहार की उपेक्षा हो रही हो तो वहाँ पर इस बात का जोर देते हैं कि नहीं व्यवहार का पालन करना बहुत जरूरी है। तो अभी ये प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि ये तो बात ऐसी हुई ना कि अपने मौका देखा जैसा जैसी कह दी, माने वस्तु के स्वरूप के आधार पर तो बात हुई नहीं ना, ऐसा लगता है ना अपन को। ये तो आप ऐसे ही बात कह रहे हो कि जब जैसा मौका लगा वैसी बात कह दी, तो कहते देखो वस्तु में ही ऐसा दोपना पड़ा है और इसलिए अपने नयों की विवक्षा है। अब वो नए कब कहाँ कैसे लगाना ये तो वक्तुम इच्छा विवक्षा, विवक्षा का अर्थ ही होता है वक्तुम इच्छा, बोलने वाले की इच्छा का नाम विवक्षा है। वो जिस बात को समझाना चाहता है उस बात की बात करेगा। तो ये वस्तु के स्वरूप में ये व्यवस्था है। देखो ये भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य भी है, अनादि काल का है और अनंत काल तक रहने वाला है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश है। और ये प्रति समय बदल रहा है, इसमें भी किसी को शंका की गुंजाइश है। इसकी पर्याय प्रति समय बदल रही है, पर्याय दृष्टि से ये और द्रव्य दृष्टि से अनादि है, ये दोनों ही बातें परम सत्य है ना। अब होता क्या है क्या जो त्रिकाली ध्रुव को भूल कर और मात्र इस पर्याय पर भी अपना लक्ष्य बनाकर एक समय मात्र मानते हैं क्षणभंगुर, और उसमें से वो ऐसा भी निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, है ना, खूब जाओ कर्जा लेकर के घी पियो, है ना, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य
पुनरागमनम कुता, यानी हमको उसका बदला तो देना ही नहीं पड़ेगा। पर काय का डर है, एक कर्जा लेके चुकाना पड़ेगा तो बहुत सोचते हैं ना कर्जा लेने के बारे में, और कितना ब्याज मांगता है क्या करता है, तो एक एक परसेंट पर झगड़ते हैं कि नहीं हम इतना तो नहीं लेंगे, इतना देना पड़ेगा, ये सब होता कि नहीं। लेकिन ये सब बातें किन की हैं, जिन्हें पैसा वापस करने का भाव हो, जो जिनको ये है कि एक दफे हाथ में तो आवे, फिर हमको ना मूल ना ब्याज देना ही नहीं है। वे तो कहते साहब 300 रुपया सैकड़ा ब्याज लगाएगा, नहीं 4 लेना ना, एक दो तो पहले तुम्हारे हाथ में से निकल के हमारे हाथ में तो आवे। तो दो तरह के लोग होते ना, देखो अनित्य है ये बिल्कुल सही बात है, प्रति समय बदल जाएगा ये सही बात है, लेकिन उसका ऐसा अर्थ निकाल करके और ऐसा असदाचारी जीवन अपनाए तो वो सही नहीं है ना। तो उसको वो जो नित्य पक्ष है वो बताना पड़ेगा कि भैया अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, और उनको ये समझाना पड़ता है कि देख तूने इस भव में कर्जा नहीं लौटाया तो अगले भव में बैल बन के देना पड़ेगा। किसान क्या करते हैं ना कि बैलों से खेत जोतते हैं, और फिर बेचारा बैल कमजोर, कभी ना कभी कमजोर पड़ते ही है ना, बुढ़े होते हैं बीमार होते हैं, तब वो खेत में बैठ जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उन्हें मार मार करके खड़ा करते हैं, क्योंकि उस वक्त दूसरा बैल कहाँ से लाए, तो खेती कैसे करना, खेती तो करनी है ना, अब तो उसके पैसा जुटाने पड़ेंगे, खरीदना पड़ेगा। माने अपन को ऐसा लगता है बड़ा दुष्ट है ये, लेकिन उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्या करे। आपने जंगल में एक आदमी मजदूर ले गया था सामान, और उसने जंगल में छोड़ दिया। अब अपन चाहते तेरा पैसा, एक पैसा नहीं दूंगा मैं, ऐसा नहीं करूंगा, धमका रहे होते नहीं उठा के ले चल, तो उसकी उस पर तो दया आती है कि भाई वो उसकी तबीयत खराब होगी, बेचारा थक गया है। लेकिन हम भी तो संकट में खड़े हैं जंगल में, अब हम क्या करें, दूसरा मजदूर मिलता हो तो उसे भी दे दें और दूसरे को भी दे दें, वो ले जाएं। तो वो बैलों के प्रति अत्यंत दयालु भी होता है और अत्यंत निर्दय व्यवहार भी करता है किसान। तो उस किसान को ये धमकाते हैं कि तूने यदि अभी कर्जा नहीं चुकाया तो तुझे सेठ जी का बैल बनना पड़ेगा और फिर बैल बन के चुकाना पड़ेगा। माने दोनों का उद्देश्य सदाचार लाना है, बात भी सच्ची है कि अगले भव में भी उस सेठ जी को पैसा चुकाना पड़े चाहे ना चुकाना पड़े, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसका फल तो हमको अगले भव में भी मिलने वाला है ना, यानी हम मरने पर ही तो हम समाप्त नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष दोनों का आवश्यकता के अनुसार विवेचन करना पड़ता है। ऐसे ही अज्ञानी जी, भाई मेरे को क्या है, ये तो कर्म के उदय ने कहा, कर्म ने ही सब कुछ किया, ऐसा कर्म पर टालता है और अपने माथे में कोई जिम्मेवारी नहीं रखना चाहता निश्चयभाषी जैसा, तो उसे बता रहे कि नहीं नहीं तेरा ही अपराध है, तेरा ही अपराध है।